ये डिज़ाइन बनाने वाली हूँ मैं ये पर्ल से, और इस ये 10 mm की पर्ल है। आप कोई भी पर्ल यूज़ कर सकते हैं बड़ी साइज़ की। इसमें थ्रेड अटैच करके चेन टू सिंगल क्रोशे से पहले फाउंडेशन रो बनानी है, बेस लाइन जो रॉन्ग साइड पे मैंने बनाई है। तो फैब्रिक के पहले रॉन्ग साइड पे थ्रेड को इस तरह से अटैच करें और चेन टू बनाएं, टू चेन्स और सिंगल क्रोशे, चेन वन टू सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह कंटिन्यूशन में दुपट्टे या स्कार्फ के एज पे आप बेस लाइन बना दें। चेन वन बना के टर्न भी कर सकते हैं, या तो फिर सेकेंड मेथड है कि आप फर्स्ट जो स्पेस है इसमें थ्रेड को लूप बनाते हुए इस तरह से अटैच भी कर सकते हैं राइट साइड पे। और अगर पहले अगर पर्ल ऐड नहीं किए थे तो अभी भी कर सकते हैं। जैसे ही सिंगल क्रोशे बना के अटैच हो जाता है, टू चेन्स बनाएंगे, टू पर्ल स्लिप करेंगे और ये पर्ल में इस तरह से हुक को इंसर्ट करेंगे। अगर आप छोटी पर्ल यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट स्पेस में अटैच करेंगे, अगर बड़ी पर्ल है तो एक स्पेस को स्किप करके नेक्स्ट स्पेस में जाना पड़ेगा। यहाँ पर अटैच करेंगे तो पहले इस तरह से लूप को लाएंगे, अब स्लोली ये दोनों पर्ल की होल में से निकालते हुए ऊपर लेकर आएंगे। एक पर्ल में से फिर दूसरी पर्ल में से इस तरह से। अब इन दोनों के ऊपर हमें इस तरह से थ्रेड को रैप करते हुए निकाल देना है। अब इसके ऊपर डबल ट्रिपल क्रोशे बनाना है तो 3 टाइम इस तरह से रैप करेंगे और नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और डबल ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से निकालते हुए। अब 3 चेन्स बनाएंगे, अब ये जो गैप है और ये पहले का जो थ्रेड है इनके दोनों को साथ में लेना, इन दोनों को और इनके बीच में इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाने का है। तो 6 to 7 भी बना सकते हैं, ये इसकी साइज़ के अकॉर्डिंगली। अगर बड़ा है स्टिच तो और भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने टोटल 8 बना दिए। अब इसे अटैच करेंगे, सेम स्पेस में नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्पेस में इसे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे बनाते हुए। तो इस तरह से ये टू टू पर्ल्स ऐड होते जाएगी ये डिज़ाइन में। फिर 2 चेन्स बनाएंगे और फिर से सेम रिपीट करेंगे, पर्ल को स्लिप करेंगे और सेम कंटिन्यू करते हुए ये डिज़ाइन को बनाएंगे।